हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू क्राफ्ट। और आज मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ ज्वेलरी बनाने का, और देखते हैं कैसी बनती है। क्योंकि ये मैंने जो सारे मटेरियल यूज़ करे हैं वो इर्ची बिर्ची से बाय करे थे काफ़ी टाइम से, और आज फाइनली मैं इसे ट्राई करने जा रही हूँ। और मैंने इसके अंदर यूज़ करे हैं डिफरेंट टाइप्स के जो स्टोन, जो आप इजीली कहीं से भी बाय कर सकते हैं। और इनकी शेप इतनी प्यारी है ना, यूज़ करते हुए बहुत मज़ा आ रहा था। और इसमें मैंने 3-4 तरह की शेप यूज़ करी है, और छोटे मिनी मिनी से मैंने इसमें डायमंड शेप के भी यूज़ करे हैं। और आप ये छोटे से बड़े के बीच में आप लगा के यूज़ करें तो इसे लुक भी बहुत अच्छा आएगा। और ये मैं प्लास्टिक वाली जो वायर आती है वो यूज़ कर रही हूँ, जो कि बहुत ही ईजली आपकी स्टोन में से बाहर निकल आती है, और बहुत ही ईजली इसे आप इसे फटाफट तैयार कर सकते हैं। और इसका फाइनल लुक देखते हैं कि कैसा बनता है। और आप लोगों ने भी कभी ज्वेलरी बनाई है तो प्लीज़ कमेंट करें कि आपको मेरी ये ज्वेलरी कैसी लग रही है। मुझे तो ये बनते हुए बहुत ही अच्छा लुक लग रहा था, और आप बताइए कमेंट्स में कि आपको कैसा लग रहा है इसका लुक। एंड इसके साथ बना लेते हैं इयर रिंग भी, जो कि मैंने ब्लूइश कलर का ये ही यूज़ करा है, और छोटा मिनी से डायमंड नीचे यूज़ कर रही हूँ डायमंड शेप का बीड्स। और हम वायर चारों तरफ से इसके अंदर ही लपेट लेंगे, जिससे कि ये कहीं पर भी मूव ना करें। और ये थिन वाला वायर आता है ज्वेलरी मेकिंग के लिए, आप वो यूज़ कर सकते हैं। हमारे इयर रिंग रेडी हो गए हैं, और इसे लुक बहुत ही अच्छा लग रहा था, और ये काफ़ी लाइट वेटिंग भी है। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।